This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासर अथवा बहुमवासर आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी अंगार की थी लोके दिनांक 27 ऑगस्ट 27 जुलाई 2021 चरक दिनांक अध्याय 7 उन्मत्त शंखं चक्रं जलमान दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याशुकपरिविलसं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलं प्रौढदावाग्निलं ब्रह्मणो हि समारब्धां आत्रेयार्थेषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽन्ति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्वं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शान्ति 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 अथ उन्मादनिदानं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आचार्यः तर्हि इदानीम् उन्मादनिदानं व्याख्यास्यति यः खलु पञ्च उन्मादाः भवन्ति तद्यथा वातपित्तकफसन्धिपात आगन्तुं युक्ताः तो पांच प्रकार के उन्माद है वात पित्त कफ संधिपात और पांचवा आगंतुक इसका भाव तत्र दोष निमित्ताः चत्वार पुरुषाणां एवं विधानां चक्रम अभिनिर्वर्तन्ते तो उसमें जो दोष निमित्त है वो इस प्रकार के पुरुषों को तत्काल निर्माण होते हैं क्षिप्रम अभिनिर्वर्तन्ते तदेथा भीरूणाम उपक्लिष्ट सत्वानाम उत्सन्न दोषाणाम समल विकृतोपहितान अनुचितानि आहार जातानि वैषम्य युक्तेन उपयोग विधान उपयोग विधिना उपयुञ्जानाना तंत्र प्रयोगमपि विषमम् आचरताम तो भीरु जो भौतिक कायर इस प्रकार के हैं उपक्लिष्ट सत्वानाम जिनके क्षति पहुंची है जिनके मन को ठेस पहुंची है तो उपक्लिष्ट है उनका माइंड इस प्रकार से उत्सन्न दोषाणाम जिनमें दोष काफी मात्रा में बढ़े हुए इस प्रकार के हैं समल विकृत उपहितानि अनुचितानि आहार जातानि तो समल और विकृत इस प्रकार की और अनुचित आहार जाति खास करके परिषितान्न इसके बारे में एक बड़ा हेतु बताया गया है वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिना उपयुञ्जानाना क्लिष्ट का मतलब क्लेश युक्त इस प्रकार से तो जिसमें मन को क्लेश काफी हुए है इस प्रकार के उपक्लिष्ट सत्व
इनमें होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की है। अनुचितानि आहार जातानि वैषम्येन उपयोग विधान उपयुञ्जानाः। तो इस प्रकार के आहार और वैषम्य के तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है। तंत्र प्रयोगम अपि विषमम आचरता, जो ग्रंथों में प्रयोग है वो भी विषम इस प्रकार के पंचकर्म खास करके। अन्याश्च चेष्टा शरीर चेष्टा विषमा समाचरता, बाकी जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो भी विषम इस प्रकार से करने वालों में। अत्युपक्षीण देहाना, देह बहुत ही क्षीण इस प्रकार का हो गया है। व्याधि वेग समुद्भ्रमिताना, और व्याधि वेग से जिसका देह समुद्भ्रमित इस प्रकार का हो गया है, या भ्रमिष्ठा वैसा जैसी अवस्था प्राप्त हो गई है। उपहत मनसा वा काम क्रोध लोभ हर्ष मोह आयास शोक चिंता उद्वेग आदि। तो काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोह आयास शोक चिंता उद्वेग इत्यादि से जिनका मन उपहत है तो इनके अधीन हो गए हैं, इनके द्वारा त्रस्त इस प्रकार का मन हो गया है। भूया अभिघाता अभिघात से जो अभ्याहत इस प्रकार के हो गए हैं। वह मनसी उपहते बुद्ध च प्रचलितायाम अभ्युदीर्णा दोषाह प्रकृतिता हृदय मुखसृत मनोवान श्रोता से आवृत्त जनयंती उन्माद। तो इस प्रकार से तो यहाँ अभिघाताभ्याहताना अभिघाता अभ्याहत यही होगा, मन पर आघात हुआ है, मन उपहत हुआ है, बुद्धौ च प्रचलिताया बुद्धि भी चंचल इस प्रकार की हो गई है। अभिनिर्णाः दोषाः प्रकृतिताः हृदय मुखसृत्य मनोहानि श्रोताः से आवृत्त जनयन्ति उन्माद। तो इस प्रकार में अभ्युदीर्ण इस प्रकार के दोष है प्रकृतित हृदय में पहुंचकर मनोहानि श्रोताओं से आवृत्त मनोहर श्रोतों संघ आवरण करके जनयंती उन्माद उन्माद को निर्माण करती है। ये बहुत बड़ी समस्या समाज में है और हमारे पास जो मरीज आते हैं उन्माद के, वो साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट काफी बरस लेने के बाद ही आते हैं, उसके पहले कोई आते नहीं है। और एलोपैथी में तो इसका अच्छी तरीके से इलाज नहीं होता है, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं और सिम्टम को सप्रेस कर देते हैं आप। लेकिन उनके पास पहले तो सिर्फ काउंसलिंग हुआ करता था, अभी काउंसलिंग बंद हो गया है साइकेट्रिस्ट के लिए, बाकी लोग काउंसलर रहते हैं थोड़े से, ये अलग ब्रांच बन गई। और साइकेट्रिस्ट जो है वो ड्रग देते रहते हैं और इन ड्रग्स के जरिए सिम्टम का मास्किंग हो जाता है और फिर उसकी आदत पड़ जाती है और डोज बढ़ता जाता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, खास करके निद्रा तंद्रा इस प्रकार की अवस्था रहना और फिर खाना और सोना, ये होने के कारण वजन बहुत बढ़ता जाता है। प्रचलित बुद्धि मंजे नेंके काया सर अभी लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ये काफी बड़ी समस्या है और बच्चों में भी देखी जाती है। तो कहीं एक जगह बैठकर एक काम शांति से करे, उसी में जुड़े रहे, ये स्थिर बुद्धि इस प्रकार का। और जब थोड़ा काम शुरू करते हैं
वो छोड़ देते हैं, दूसरे में लग जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, तीसरे में लग जाते हैं, ये प्रचलित रूप थी इस प्रकार के रहे। कहीं एक जगह बैठकर कुछ करें, बच्चों में भी देखा जाता है कि कोई एक खिलौना सामने है, एक 2-5 मिनट भी उस खिलौने पर उनका फिक्र नहीं रहता, तुरंत दूसरा कुछ लेने के लिए चाहते हैं, वो भी 2-5 मिनट के लिए करते हैं, फिर तीसरा कुछ लेने के लिए। और चाहे मैकेनो हो, चाहे और कोई इस प्रकार के खिलौने हो, या हाँ, चित्र निकालना इस प्रकार का हो, कुछ भी हो, उसमें स्थिरत्व नहीं होता, और ये बड़ी समस्या है, खास करके अभी के बच्चों में ये बड़े पैमाने पर पाई जाती है। वैसे ऑटिज्म, इसमें भी उन्माद के लक्षण दिखते हैं जो छोटे बच्चों में इस प्रकार का होता है, और क्रोध बहुलता बहुत इस प्रकार की रहती है, जो भी हाथ में वो फेंक देते हैं इस प्रकार से, और बड़े जोर से फेंकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, विचलित बुद्धि ऐसा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं अमेरिका में जब जब गया तो यशस्वी मंडू वहां के छात्र प्रैक्टिशनर है वहां पे, तो उसके क्लिनिक में मैंने बहुत सारे ऑटिज्म के केसेस देखे, बच्चों के 2-3 बरस के बच्चों से लेकर 18, 19, 20, 25 तक इस प्रकार के मरीज मैंने देखे, और ये काफी मुश्किल काम है इन प्रकार के बच्चों को हैंडल करना इस प्रकार से। मैंने कोशिश की उनके कारण जानने के लिए, और आधिदैविक आस्पेक्ट काफी बच्चों में पाए जाते हैं, ऐसा है, खास करके श्मशान पहले शहर से या गांव से दूर होता था, अब शहर उनका विस्तार हो पा गया और श्मशान शहर के बीच में बिल्कुल आ गए। हमारे यहाँ पुणे में भी जो वैकुंठ श्मशान भूमि है वो पूरे शहर के बीच में, तो एक जमाने में शहर से बाहर थी, अभी उसके इर्द गिर्द 9, 10, 12 किलोमीटर तक शहर फैला हुआ इस प्रकार का है। तो ये खास भूमि है भूत प्रेत पिशाच वगैरह योनि की, और फिर सायंकाल में पर्टिकुलरली संध्या काल जब सूर्यास्त से 1.25 घंटे का पीरियड, उस समय में अगर वहां से गुजरते हैं तो सावधानी बरतनी है, और खास करके रजस्वला अवस्था में उस रास्ते से जाते हैं तो पकड़े जाने की संभावना रहती है। मेरे बहुत सारे बच्चों में मैंने ये देखा कि ऐसा कुछ हादसा हुआ था, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय के बाहर जो चौक है उस चौक को उतारा चौक कहते हैं, मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे दूसरे ने किसी बताया कि वो उतारा चौक है, और वहां पे बोर्ड था, अभी भी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, अभी भी है। तो जहां इस प्रकार का कुछ बलि वगैरह इस प्रकार का दिया जाता है, इस प्रकार का वो उतारा कहते हैं, और फिर उसके लिए ये अन्य योनि के भूत प्रेत पिशाच वगैरह वहां पे आते रहते हैं, होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जिनमें ये आधिदैविक आस्पेक्ट इस प्रकार के हैं, ऐसे कभी कहीं मरीज दिखते हैं, और उनको दैवीय आश्रय चिकित्सा की आवश्यकता रहती है, केवल भौतिक स्तर पर चिकित्सा करके आहार विहार में परिवर्तन रहे होगा, जो दोष जो उन्माद है उनमें अगर हम दोष के हिसाब से चिकित्सा करते रहे या फिर शोधन करते रहे तो ठीक है इस प्रकार से, लेकिन इससे काफी रिलीफ हो जाता है, और शुरू में ही हमारे पास अगर मरीज आते हैं एलोपैथी में जाने के बजाय
तो चांसेस अच्छे रहते हैं सुधरने। सकाळी संक्रमण करणे तिथे चालू शकते का? घूम सकते हैं, सकाल में भी एक संध्याकाल होता है, सूर्य सूर्योदय के तुरंत बाद इस प्रकार का। और तो जाना बराबर नहीं है, शाम को तो नहीं जाना है, ये एक आवश्यक चीज है। और काफी बस्ती बढ़ गई है अभी वहां, तो ये भी एक बात रहेगी। यहाँ जहाँ सुनसान होगा कोई इस प्रकार के लोगों का आना जाना नहीं है, वो ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार का है। तो ऐसी अवस्था में ये बचपन में ऑटिज्म के केसेस दिखते हैं, और अगले बरस में खास करके हिस्टेरिया जो है, प्रेम भंग अगर इस प्रकार के होने के कारण, वो युवावस्था में दिखता है। और धनकांतादि नाश, ये जो एक कारण बताया गया है, वो भी उन्माद का कारण बन जाता है, वो अगली अवस्था में दिखाई देता है। और इसमें आहार में खास करके विरुद्ध आहार, विषमाशन और ये परिषितान, ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और फिर इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा के बारे में सोचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ऑटिज्म के केसेस काफी डिफिकल्ट है, मेरे पास अभी भी ऑटिज्म के केसेस है, लिमिट में है, संख्या कम है, बीच में थोड़े ज्यादा थे लेकिन अभी संख्या कम है। तो इनसे कैसे निपटना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और जो आगे वाले हैं इस प्रकार के युवावस्था में आने वाले हैं, उनके बारे में हम शायद पंचकर्म के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अनुभव ये है कि ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ना ही परहेज रखते हैं, ना ही दवाइयां लेते हैं, ना ही पंचकर्म कर लेते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। और काउंसलिंग भी तभी काम करेगी जब ये उसके लिए राजी हो। अगर वो हमारा कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, काउंसलर का कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो काउंसलिंग काम नहीं करेगा। तो अभी के हालत में मैं समझता हूँ कि अगर साइकोट्रिक ड्रग्स शुरू हो गई हो तो वो चालू रख के उसके साथ में आयुर्वेदिक दवाइयां शुरू करना, काउंसलिंग चालू रखना, परहेज के बारे में बताना, क्योंकि आए लोग तो परहेज के बारे में नहीं पता, और पंचकर्म करवा लेना, तो इससे काफी राहत होती है और सुधर सकता है। वैसे संधिपात और आगंतु में जो हिंसार्थी इस प्रकार का ग्रहावेश हो गया हो वो असाध्य है, बाकी सभी साध्य है, और ये साध्य होने चाहिए हमारे दृष्टि से, लेकिन हमारे पास मरीज आते ही नहीं है। एलोपैथी में बहुत बरस निकालने के बाद अब कुछ होने वाला नहीं है ऐसी स्थिति में, या फिर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऐसी स्थिति में मरीज हमारे पास आते। तो मनस के बारे में, इष्ट से अलाभात, लाभात का अनिष्ट, जो हमें चाहिए इष्ट है उसका अलाभ होने से वो नहीं मिलने से, और जो नहीं चाहिए वो मिल गया या फिर उसको भुगतना पड़ा, ऐसी स्थिति हो तो ये उन्माद इस प्रकार का हो सकता है। अब लाभाचानिष्ट से इसमें च का एक दूसरा अर्थ भी, इष्ट से लाभ, इष्ट का लाभ होने पर भी उन्माद हो सकता है। तो कौन किस चीज को किस प्रकार से ले रहा है उसके आधार पर ये निर्भर होता है। और इसमें दोष
शारीरिक दोष और मानसिक दोष दोनों का संबंध है। तो शारीरिक दोषों को अगर हम भली भांति समझ सकते हैं पंचकर्म के लिए, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे एक दो ही केस ऐसे मिले हैं कि जो शुरू में ही आयुर्वेद में आए और आयुर्वेद में गए ही नहीं इस प्रकार से, तो ये अच्छा रिजल्ट्स दिखाते हैं। लेकिन एक बार एलोपैथी में चले गए तो काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। कुट्टकल में मानस आयुर्वेद की एक ओपीडी चलती थी और वो जबरदस्ती पंचकर्म करवाते। अभी मुझे मालूम नहीं है क्या स्थिति है वहां पे, लेकिन पकड़ कर पंचकर्म करवाते, बांध कर पंचकर्म करवाते। तो एक बार दोषों का आवरण दूर हो जाए तो मन शांत होने लगता है, मन अपनी प्राकृत स्थिति पर आने लगता है। तो इन सभी के बारे में देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। साधक देती हिम शिखरे करके एक ऑटोबायोग्राफी है योगी की, उसमें ये गुरु और शिष्य किसी गांव से गुजर रहे हैं, तो वहां पे एक औरत इस प्रकार की गर्भवती हो गई है और कोई मांत्रिक नहीं, उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि उस जो भीड़ जमा हुई थी उसमें एक ने निर्देश किया कि तुम तो मंत्र तंत्र जानते हो तो तुम इसका इलाज करो। तो उसने कोशिश की लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो शक्ति ज्यादा शक्तिशाली थी। तो फिर उन्होंने गुरुदेव से आग्रह किया कि आप ही कुछ करिए, तो गुरुदेव ने फिर वो कर दिया, उसका उसको शांत कर दिया और मुक्ति दिलवाई। फिर उसी रात को उन्होंने शिष्य से कहा कि अब हमें ये गांव छोड़ना है, तुरंत यहाँ से निकल जाना, नहीं तो सब लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और उन्होंने रात में ये गांव छोड़ दिया और आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है, मानस दोषों की भी शोधन शमन चिकित्सा अलग से हो सकती है। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन शरीर का शोधन हो जाए तो रुचि प्रसादम मन इंद्रियाणाम धातु तिरस्कृत जनन से चरा चपातम वैसे करोगी संशोधनम सम्यक उपासना। ये बुद्धि प्रसाद ये शोधन का नतीजा बताया गया, शोधन का फल बताया गया। तो इनडायरेक्टली ये होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भावनाओं को एक्सप्रेस करना ये मन की शुद्धि है। जैसे ओशो के आश्रम में इस प्रकार से रोना हंसना या जो भी भावनाएं दबी हुई है मन के अंदर, उनको बाहर आने के लिए युक्त करना, इससे भी काफी फर्क होता है। और फिर ऐसी भावना अगर नहीं रही तो काफी शांति आ जाती है। तो ये हम शोधन कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई और कोई व्यक्ति रोई नहीं, उसकी बहुत नजदीकी व्यक्ति है और उसको रोना ही ना आना नहीं हुआ, या फिर जैसे पूरा सूख गया नेत्र और कुछ पानी आ नहीं रहा नेत्र से, तो इसमें काफी गहरा असर हो सकता है। फिर आगे उन्माद जैसी अवस्था हो सकती है और रोने से वो निकल जाता है शल्य, तो अंतःशल्य है वो, और फिर स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो ये काफी आवश्यक है इस प्रकार में कि भावनाओं को संचित न रखे, भावनाओं को व्यक्त करे और एक बार निकल जाए मन से बात, तो फिर अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
स्वजन से दुखम अगर तो विवृत द्वारा विभो को जायते, कुमार संभव ने कालिदास ने कहा कि स्वजन जो है उनके पास मन जैसे विवृत द्वार हो जाता है और फिर जो भी चीजें हैं वो बात बताई जाती है किसके पास। तो ये भी सभी बातें ध्यान में रखते हुए अगर मानस हेतु है इसके पीछे तो उसको कैसे दूर करें ये सोचना चाहिए। और शारीरिक स्तर पर जो है वो पंचकर्म आहार में परिवर्तन वगैरह वगैरह इस प्रकार से करके करना है और फिर उन्माद की जो दवाइयां हैं वो देनी है, खास करके महाकल्याण का ग्रंथ। हाँ, ये एक अहम दवा है। और जब जब इस प्रकार के मानसिक परिवर्तन दिखते हैं उन्माद नहीं कह सकते उनको, लेकिन उसकी तरफ जाने का ये हो सकता है, तो उसमें महाकल्याण का वृत्त भी अच्छा काम करता है और शमन के रूप में अगर वो देते रहते हैं तो एक मेडिसिन के जरिए वो अच्छा इस प्रकार का काम करता है, मानसिक विकास पर भी अच्छा काम करता है। तो ये बड़ी समस्या है समाज में और इनके बारे में हम कैसे सोचेंगे, हमारे पास मरीज शुरू से आने आएंगे ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन कैंसर में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरू से हमारे पास मरीज आए, वो भी अभी नहीं हो रहा। अनुस्वरूप एकत्व असलेल्या मनाची विकृति कशिकाय संभव संभव शक्ति, हे नेमके चित्र डोळ्यासमोर कल्पना करता येत नाही। अणुत्व च एकत्व द्वौगुणो मनसस्तु तो ये बताया गया है। हाँ, और ये अणुस्वरूप होने के बावजूद उसमें परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, ये एक अहम मुद्दा है। मैंने पदार्थ विज्ञान की किताब में इसके बारे में लिखने का प्रयास किया है। मन नित्य है या अनित्य है, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। अगर वो नित्य है तो उसमें कुछ परिणाम संभव की आशंका नहीं है, उसमें कुछ नहीं होगा, और जैसे आत्मा है वैसा ही मन नित्य होगा इस प्रकार से, और उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर उन्माद जैसे विकारों को हम कैसे समझेंगे? क्योंकि इस प्रकार का आहार खाने पर मन में परिवर्तन आते हैं ये तो दिखाई देता है। अन्नमयम ही सौम्य मनः, ये छांदोग्य उपनिषद में वाक्य है कि मन अन्नमय इस प्रकार का है। और पुष्यंति तो आहार रसा, इसमें इंद्रियाणि तत् प्रसाद संज्ञा का, इनका भी पोषण आहार से होता है इस प्रकार का निर्देश है। भगवद गीता में सात्विक लोगों को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है, राजस लोगों को किस प्रकार का आहार प्रिय होता है वगैरह के बारे में बहस इस प्रकार। तो अगर ये बातें मानते हैं तो वह अनित्य हाँ दिखाई देता है और फिर उसमें परिवर्तन आता है और विकृति हो जाती है और वह फिर प्राकृतिक अवस्था में लाने का प्रयास करना है इस प्रकार से। और वैसे मन आत्मा के साथ अगर गमन करता है मृत्यु होने के बाद, पंचाभिभूता चतुः पंचकृत पंचेन्द्रियम पंच स्वभाव पंचेन्द्रियम पंच स्वभाव पंचत्व आयां विनाश का, ये इंद्रियों के बारे में सुश्रुत में बताया गया। ये बड़ा अजीब श्लोक है कि लय कहाँ किसका कहाँ पे होना है, तो इंद्रियों का लय पंच महाभूतों में हो जाता है ऐसा वहां पर वर्णन है और फिर उनका नाश हो जाता है, पंचत्व आयाम की विनाश काल है इस प्रकार से। लेकिन सत्व जो है, मन जो है, वो आत्मा के साथ निकल जाता है। भूतात्म कैर महाभूत ही सूक्ष्म सत्वानुवेश सा, बीजात्म कैर महाभूत ही सूक्ष्म सत्वानुवेश सा। तो सत्वानुग जो महाभूत है बीजात्म कैर इस प्रकार के, तो बीजों में शुक्र और
अर्थों में महाभूत है और वो सत्व का अनुगमन करती है। इस प्रकार से यहाँ का सत्व का मतलब मन है या आत्मा है, ये एक थोड़ा सा विवाद करेगा। मातुश्चाहर रसे कर्मात्मोक्षो विवर्तते। तो मन और शरीर इनमें एक दुआ जो शरीर और आत्मा चैतन्य, इसमें एक दुआ मन है। सेन्द्रियम चेतनं द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनं, सजीव और निर्जीव इसमें फर्क क्या है? तो इंद्रिय सहित जो है वो चेतन है और इंद्रिय विरहित जो है वो अचेतन। इस प्रकार का आत्म तत्व तो ऐसे सभी में है, जहां इंद्रिय है वहां वो व्यक्त होता है, जहां इंद्रिय नहीं है वहां अव्यक्त स्वरूप में रहता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यही है कि मन इस प्रकार से नित्य या अनित्य दोनों तरीके से उसको कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में सत्य स्थिति क्या है, सत्य क्या है, ये बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। अगर आहार विहार वगैरह का परिणाम मन के ऊपर होता है, संगति का परिणाम मन के ऊपर होता है। नीति शतक में सुसंगति और कुसंगति इसके बारे में काफी बहस की गई है। तो ऐसी हालात में मन के बारे में कैसे सोचे, नित्यत्व और अनित्यत्व। तो मेरे कलोटकर सर से बात हुई थी और उनका कहना था कि दो तीन तरीके से इसके बारे में विचार करते हैं। मन का ही एक पोष्य इस प्रकार का भाव है जिसका पोषण होता रहता है, नहीं कि वो अनित्य है, और ये एक नित्य इस प्रकार का है, दोनों का मिलाप है नित्य और अनित्य का। और इन सभी परिवेशितान्न विरुद्धान्न वगैरह वगैरह ये जो सभी है, यह मानसिक भाव जो है उनका परिणाम इस अनित्य मन पे होता है, अनित्य जो अंश है उसके ऊपर होता रहता है। जो नित्य अंश है उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है, लेकिन वो आत्मा के साथ चला जाता है। और जाति स्मरण ये जो एक कैटेगरी बताई गई है, ज्यादातर ऐसा होता है कि ज्वर के जन्म के सनम समय ज्वर होता है, क्लेश जो होते हैं बाहर निकलने में गर्भ होते, उसके जरिए स्मृति नहीं रहती पहले जन्म। लेकिन कुछ लोग जाति स्मरण होते हैं जिनको पहले जन्म के बारे में जानकारी होती है और जो भी विषय अनुभूत है उनके उसकी स्मृति जागरूक होने के कारण उनको पता चले। तो इसका मतलब ये रहेगा कि मन नित्य है, आत्मा के साथ चलता है, दूसरे इसमें दूसरे जन्म में भी जाता है। बुद्धि विभ्रम है लक्षण वहीना है कि बुद्धि चा संदर्भात लक्षण आहे का, सहज बुद्धि पर दोषांचा काही परिणाम होता। ये काफी मुश्किल इस प्रकार के सवाल है। वहीना है कि बुद्धि ये जो है वो शास्त्र से जुड़ी इस प्रकार की है और शास्त्र के आधार पर जो बुद्धि बनती जाती है, एक बुद्धि स्थिर भाव है या बुद्धि बदलने वाली है। तो बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि बदलने वाली, ये आम मुद्दा है। बुद्धि मेधा कर गुणा इस प्रकार का गण बताया गया है, बुद्धि और मेधा कर इस प्रकार का। सतताध्ययनम वाहा परतंत्रावलोकनम तद्विद्याचार्य सेवाच बुद्धि मेधा करो, इस प्रकार का सुश्रुति ने बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि निर्माण होती रहती है और हर क्षण निर्माण होती रहती है, क्योंकि जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वो आत्मेन्द्रिय मन और तानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि सा प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, वो बुद्धि है एक्चुअली, वो केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान के आधार पर बुद्धि बनती है, वो हर एक के अलग अलग बनती है।
और फिर ये बुद्धि हमें किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। और सहज बुद्धि जो है वो हमें जन्म के साथ जो प्राप्त हुई है वो सहज बुद्धि किस प्रकार की। अभी शास्त्रम ज्योतिष प्रकाश आसन दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम विषक सहित ताभ्याम चित्त नापराधे सूत्र स्तंभ में सूत्र आया। शास्त्रम ज्योतिष प्रकाश आसन शास्त्र ये प्रकाश के लिए ज्योति जैसा इस प्रकार। दर्शनम बुद्धिरात्मना अपने खुद की जो बुद्धि है वो दर्शन वो चक्षुरी इंद्रिय इस प्रकार ताभ्याम विषक सहित ताभ्याम चित्त नापराधे ये दोनों की अच्छी जोड़ हो तो चिकित्सक के द्वारा अपराध संभवनीय इस प्रकार का नहीं है। तो पहले से ही बुद्धि अच्छी होनी चाहिए ये एक बात। और फिर उसको शेप मिलना बहुत जरूरी है जिन शास्त्रों के आधार पर हम सोचते रहेंगे उसके आधार से बुद्धि हमें मिलती जाएगी ज्ञान होता रहेगा और ज्ञान का कन्वर्जन बुद्धि में होता रहेगा। तो बुद्धि एक अलग चीज है वो हरदम बनती रहती है हर क्षण बनती रहती है इस प्रकार से। उन्माद बते तासन चिकित्सा विचार कसा करावा ससाने में तो बोल ये प्राण दुख या प्राण भय सबसे बड़ा भय होता है और फिर उसका विपरीत मन जो है वो अपने स्थान पर आ जाता है। इसके लिए ये त्रासन चिकित्सा इस प्रकार की बताई गई है। द्रव्य रूप मन अनित्य है और भाव रूप मन नित्य है। द्रव्यों में भी नित्य अनित्य दो हो सकते हैं। वैसे इन्होंने मन को अलग निकाला है पंच महाभूत नवद्रव्याणी जो बताई गई है पृथ्वी तेजो आकाश काल विकास मनाउसी नवे तो काल दिग आत्मा और मन ये चार अलग निकाले हैं। तो इनका महाभूतों से कोई संबंध नहीं है ऐसा इस सूत्र से होता। भौतिकानि तु इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्णयन्ते इसके सूत्र के आधार पर पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय तो भौतिक है उसमें संदेह नहीं है। मन का क्या करेंगे। तो मन का महाभूतों का कोई संबंध सांख्य तत्वज्ञान से नहीं। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय बनते हैं और पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं। तो ये दोनों अलग ही है निर्माण ही अलग है इस प्रकार। और वैसे भी न्याय वैशेषिकों में भी इसका निर्माण अलग ही द्रव्य ही अलग बताया गया लेकिन द्रव्य कहा गया। तो इसमें मैं वो बात अधूरी रहेगी कि नित्य और अनित्य ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मन में दिखी जाती है और ऐसी अवस्था में कैसे समझे। कोलटकर सर ने प्रवाही नित्यत्व की कल्पना भी बताई थी। गंगा भगीरथ ने जो लाई वो शिरस चारुं स्वर्गाकर्षति शिरस्तत् चुतिकरं महीधरा दुत्तुंगा रवनमवने शाप जलति अधोधो गंगेयं पदमोह कपास्तोकमधुना विवेक द्रष्टानां भवति निपातश्यतम। ये चारण नीति शतक का श्लोक है वो अलग चीज के लिए बताया गया है लेकिन शिव के मस्तक पर आने पर वहां से वो नीचे आ गई पृथ्वी तल पर आ गई और चली गई। अब जो गंगा का पानी बह रहा है वो क्या है। गंगा तो चली गई लेकिन हम इसी को गंगा कहते हैं अभी भी गंगा कहते हैं। तो ये मानते हैं कि प्रवाही नित्य एक प्रवाह सा चलता रहता है और उसके जरिए ये भाव जैसे पहले थे उसी प्रकार से निर्माण होते रहते हैं
जैसे कि ये बौद्धों का खंडवा था, उन्होंने विज्ञान माना है जो इस प्रकार का निर्माण होता रहता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, विज्ञान स्कंद इस प्रकार का मानना। और हमारे यहाँ चैतन्य तत्व आयुर्वेद में या वैदिक शास्त्रों में जो है वो चैतन्य तत्व इस प्रकार का मानना। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि इस प्रकार का प्रवाही नित्यत्व ये भी मान सकते हैं जिसमें बदलते भाव है फिर भी नित्य कहा गया। तो इसमें संदेह नहीं है कि आहार विहार जैसे कारणों का मन के और असर होता है, इसमें परिणाम होता है, बदलाव आते हैं। और फिर ये भी एक चिकित्सा का तरीका है, मन को अगर ट्रीट करना है तो आहार विहार में परिवर्तन लाओगे तो मन में भी परिवर्तन आ जाएगा इस प्रकार। और ऐसा देखते हैं कि बहुत क्रोधाविष्ट होने वाले व्यक्ति आगे शांत हो जाती है इस प्रकार से। एक बीच में सीरियल चलते स्वभाव वाला औषध आहे इस प्रकार से। जनरली कहा जाता है स्वभाव दुष्प्रतिक्रिया है या दुष्प्रतिक्रिया है, उसमें कुछ दवाइयां काम नहीं करती, स्वभाव जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि वो उसका नेचुरल स्वरूप है उस व्यक्ति का। और दूसरी बात भी कही जाती है, नहीं स्वभाव बदल सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वभाव बदलेगा ही नहीं इस प्रकार से। अब देखने का तरीका जो है एटीट्यूड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और एटीट्यूड को समझ पाना या नहीं पाना ये भी एक अहम मुद्दा। बहुत सारे लोग एटीट्यूड को समझते ही नहीं और एक ही तरीके से सोचते रहते हैं, दुख होता रहता है, क्रोध आ जाता है और वो मानते हैं कि नहीं ऐसा ही है, इसको दूसरे किसी तरीके से देखा ही नहीं जा सकता और न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं इसके बारे में। तो ये एक बड़ी समस्या है इस प्रकार से। हाँ, ग्लास आधा रिक्त है या आधा भरा हुआ है, ये एटीट्यूड का नतीजा है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है बोलेगा आधा आधा तो है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला बोलेगा कि नहीं आधा ही है, पूरा नहीं है ग्लास इस प्रकार से। तो सभी स्थितियों में किस प्रकार से विचार करना है ये हमारे ऊपर निर्भर है, और हम बहकावे में आ जाते, किसी एक तरीके से विचार करने की आदत पड़ गई है उसमें से बाहर आना नहीं चाहते, और फिर उन्हीं विचारों में दुख ग्रस्त हो जाते हैं और फिर पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो होता ही नहीं, नेगेटिव थिंकिंग में मन चला जाता है और फिर एक विशेष सर्कल चेक हो जाता है कि निगेटिव सर्कल विचारों के कारण दुख होता है, फिर इनएक्टिविटी होती है, कुछ करते नहीं है, जो कुछ कदम उठाने हैं स्थिति को सुधारने के लिए वो कदम नहीं उठाए जाते और फिर स्थिति और बेकार हो जाती है और बुरी हो जाती है, तो फिर और दुख होने लगता है इस प्रकार से। तो किसी ना किसी तरीके से इसमें बाहर आने का क्या उपाय है ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ मार्ग दिखे, हम कम से कम न्यूट्रल हो जाए और इसके बारे में सोचना बंद करें, नेगेटिवली सोचना बंद करें इस प्रकार से। लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और फिर अगर अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आए, उनका अनुकरण करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये बातें बदल सकती है, और काफी उदाहरण है इसके लिए इतिहास में। मैंने एक अभी रिसेंटली पेपर में पढ़ा था, वो दो कट्टर धर्मी है इस प्रकार के, एक ही धर्म के कट्टरपंथी है, तो एक ने दूसरे पर हमला किया और फिर एक क्रिश्चियनों की बात है, शायद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये जो
भिन्न है उसमें, इसी का नतीजा होगा। लेकिन एक पोप में चर्च के एक टॉयलेट में बहुत सारी औरतों को आश्रय दिया और 90 दिन वो औरतें उस टॉयलेट में रही। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे बुरी क्या चीज हो सकती है। वो सिर्फ खाना देता था और उसने संभल के रखा अपोजिट पार्टी के होने के बावजूद। फिर जब मुक्ति हुई तो एक ने उसके बारे में काफी विश्व में प्रचार प्रसार इस प्रकार का किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत बुरी बुरी हालत होती रहती है और फिर कोई सामने मार्ग नहीं दिखता कि किस प्रकार से इसमें से बाहर निकलेंगे। तो इसको भोगवाद या हमारे ही पुराने जन्म में किए हुए पातक का यह फल है ऐसा समझकर उसको भुगतना है, ये एक मन की स्थिति के लिए कहा जाता है। और अगर कोई चांसेस है, उम्मीद है उसमें से बाहर निकलने, तो उसके लिए प्रयास करना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। या स्टूडेंट भी अलाव ये करके एक डिस्कवरी चैनल पर एक सीरियल है और उसमें लोग किसी वीरान इस प्रकार के स्थिति में फंस जाते हैं या समुन्द्र में फंस जाते हैं वगैरह इस प्रकार से, और फिर उनको मदद मिली और वो बच गए। सभी सुखांत जो घटनाएं हुई है, सत्य घटनाएं हैं, उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन इन सीरियल को देखने के बाद ये थोड़ा सा हौसला होता है कि अरे हाँ, इसमें से भी मार्ग निकल सकता है, तो हमें कोशिश करनी इसमें से मार्ग निकालने के लिए। और हजार कोशिशों के बावजूद भी अगर कुछ परिवर्तन नहीं आया तो समझ लेना है कि ठीक है, हमारे भोग है और अगले जन्म में दुख से मुक्ति इस प्रकार की होगी। तो ये सभी बातें हम कैसे समझेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे, ये बात अलग इस प्रकार का है, और फिर इसमें ये उन्माद कुछ लोगों को हो जाता है ऐसा है, और फिर उनको समझाना काफी मुश्किल होता है। ऑटिज्म में वो अपने ही विश्व में रहते हैं, उसी प्रकार ये लोग अपने ही विश्व में रहते हैं। बाहर क्या चल रहा है, कौन उनके साथ है, वो उनकी अवस्था क्या है खुद की वगैरह वगैरह ध्यान ही नहीं है, वो अपनी ही मनोव्यापार में पूरी तरीके से डूबे हुए इस प्रकार के रहते हैं, और फिर ये बड़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात हो जाती है। तो ठीक है, अब इसके जरिए ये नित्यत्व अनित्यत्व बुद्धि ये सब क्या चीजें हैं, इनके बारे में बहस होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और साक्षात उन्माद वाले लोग कम देखेंगे, लेकिन जिनके मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो आगे उन्मादग्रस्त होने की संभावना है, ऐसे मरीज काफी देखेंगे। अभी ये जो COVID-19 के जरिए भय का माहौल फैलाया गया, बहुत सारे मौतें भय के कारण COVID-19 की वजह से नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा है, अभी भी पूरा समाज भयग्रस्त है, थर्ड वेव आएगी, बच्चों को ज्यादा परेशानी होगी, कैसे बच पाएंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वैक्सीनेशन उपाय है या नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो
किसी ना किसी तरीके से ये जो कामक क्रोधादि षड्ऋतु है उनके ऊपर हम काबू पाएंगे, उनमें से मन को बाहर निकालेंगे, आनंद का अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तो ये सभी रिवर्स इस प्रकार का हो सकता है। और हमें उसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुकुल में एक हादसा इस प्रकार का हुआ था। एक फर्स्ट ईयर का छात्र, उसको गुरुकुल में उन्माद हो गया। और शुरू में समझ में आने के लिए थोड़ी देर लगी कि ये उन्माद है इस प्रकार से। फिर उसके माँ बाप को हमने कांटेक्ट किया कि आप तुरंत आइए। हाँ, और मैंने कहा था कि आप टैक्सी करके आ जाइए, हायर करें कार कोई, लेकिन वो आइए बस से, और काफी देरी से आए, रात 11 साढ़े 11 बजे आए। फिर हम इसीलिए रुके थे कि हम ट्रीटमेंट करेंगे या आयुर्वेदिक किसी अस्पताल में उसको दाखिल करना। और वो समझने की उनकी क्षमता ही नहीं थी कि ये उन्माद है। हम बता रहे थे कि ये उन्माद है, ये पागलपन है। वो बोल रहे थे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे के साथ। मैंने कहा ये बहस छोड़ो, मैंने काफी उन्माद के मरीज देखे हैं, उन्माद है उससे संदेह नहीं है। अब एलोपैथी करनी है, आयुर्वेद करना है, ये सोचना है। और वो तो काबू में नहीं आ रहा था, ये दूसरी उसमें स्थिति थी। जैसे ज्वर किंवा कोणताही व्याधी झालेल्या रुग्णाला कळत असते की स्वतःला ज्वर झालेला आहे, तसे उन्माद झालेल्या व्यक्तीला जाणीव असते का? नसते। उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है उसको इस प्रकार से। फिर भी वहां पे महाकल्याण से फिर तो उसको पिला के वमन देने की चेष्टा की गई, रात को 10 साढ़े 10 बजे। और उससे वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर से जैसे माँ बाप आए तो वो गड़बड़ शुरू हुई। अब उसके बाद में फिर यहाँ पुणे में एडमिट किया, और एलोपैथी की एक गोली खाने के बाद तुरंत शांत हो गए। फिर लेकिन आगे ये दवाइयां चलती रही, अभी भी चल रही है। सौभाग्य इतना है कि मैंने काफी पंचकर्म करवाया, गोमन विरेचन बस ये सभी करवाया, रक्तमोक्षण के लिए सभी करवाया। फिर भी एलोपैथी की दवाइयां छुट्टी नहीं है, तो सब ये मिस पूरा हो गया। अब एमडी के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन ये मामला काफी संगीन है। और कैसे, हाँ, हेतु का कुछ पता नहीं चला। एक थोड़ा सा ऐसा है कि जब उसने मुझे देखा तो मेरे बारे में उसके मन में बहुत आदर इस प्रकार का था, खास करके किताब जो है मेरी अष्टांग हृदय की, सुसरत्मा भाषा की, उससे वो काफी इम्प्रेस इस प्रकार का था। तो इष्ट से लाभा, इष्ट व्यस्त जिसको का लाभ होने से भी उन्माद होता है, वो शायद बात रहेगी इस प्रकार से। और ये अंत अंत में हुआ है, पूरे 35-36 दिन का गुरुकुल था, और 30-32वें दिन में ये शायद हादसा हुआ है। तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है, खास करके जो बच्चे हैं ऑटिज्म के बच्चे हैं उनके बारे में कैसे करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी एक आधा एक बीमारी है जिसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वहां बुद्धि की प्रगल्भता ही होती नहीं है, बुद्धि के बारे में कुछ होता ही नहीं आता। और कुछ सेरेब्रल पाल्सी के मरीज में केवल शारीरिक क्षति होती है और बुद्धि वैसे भी काम करती है।
अरे उन्माद वाले जो है ऑटिज्म के केसेस है इनमें ये। हाँ उन्माद हो नहीं बीएमएस चा अभ्यास पूर्ण करून परीक्षा ही उत्तीर्ण झाला हे कसे काय। वैसे देखा जाए तो वो नॉर्मल दिखता है ये उन्माद का व्यक्ति है ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे फोन आता है मुझे रात भर नींद नहीं आई इस प्रकार से। तो मैंने सारस्वत अरिष्ट बोला, सारस्वत अरिष्ट उससे मिला नहीं, उसने एलादी वट्टी ले ली ये भी अजीब है एलादी वट्टी कैसे ली। और फिर दूसरे दिन मुझे बताया कि मुझे एलादी वट्टी से बहुत अच्छी नींद आई। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया लेते रहो। तो अभी मैं नहीं कहता कि वो उन्माद ग्रस्त है, लेकिन ये एलोपैथी की मेडिसिन छूट जानी चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति जैसा है और वो नहीं छूट रहे, वो दवाइयां कम होती है तो फिर से दौरा पड़ जाता है, इसलिए काफी मुश्किल इस प्रकार का है। उन्माद रोगी को स्नेहपान स्वेदन कैसे कराए वो किसी बात को करने के लिए तैयार नहीं होते, ये मेरा भी अनुभव है। हाँ शुरू में ही अगर हमारे पास आते हैं तो शायद बात बनती है, एलोपैथी शुरू करने के बाद अगर हमारे पास आते हैं तो ये नहीं होता है और ये बड़ी समस्या है। वहां कोटकल में वो जबरदस्ती पिलाते थे, उसको भी हमने जबरदस्ती पिलाया। महाकल्याण का जो तक का स्नेहपान, हाँ बुधरा मेरठकर ने ये बात की और उसको जबरदस्ती इस प्रकार का स्नेहपान करवाया और फिर उल्टी करवाई इस प्रकार से, और उससे वो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा हो गया था इस प्रकार से। तो ये सभी बातें आवश्यक इस प्रकार की है। ठीक है कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्तचित्ते येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापार स्वाहा।